ये तमाम जे पैघ वैज्ञानिक सब छथि ओ वैज्ञानिक सब राम के संबंध में खोज कलखिन। इतिहास के आधार में या इतिहास के जे विभिन्न पुस्तक सब भेटल छै ओहि पुस्तक सब के आधार में राम के खोज कर हुनकर जन्म के मिति, वनवास के मिति, तकर बाद भ्रमण के मिति, विभिन्न मिति सब के प्रमाणित कर दलकै जे राम एहि धरती पर रहित। जँ अ राम धरती पर रहित त सीता से हो धरती पर रहथिन। हुनकर इतिहास के या हुनकर जे ऐतिहासिक स्थल, हुनकर जे विभिन्न स्थल सब छै ओहि के खोज क्रम में हम सब आयल छी याज्ञवल्क संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जनकपुर में, जे जनकपुर के सदानंद भवन तकर बाद विभिन्न भवन के नाम पर छै कहल ई जाइ छै जे एहिठाम सीता अपन अध्ययन कयने रहथिन इस जगह पर। तो हम सब अइ जगह के ऐतिहासिक महत्व के विषय में एहिठाम के प्रधानाध्यापक जे एहिठाम विभिन्न कूप सब छै ओहि कूप सब के विषय में अपने के जानकारी देब। हमरा संगे देखल जाए ई कार्यक्रम। स्कूल में ये प्राचीन ज्ञानकूप देख रहा छी अपने सब जे एहिठाम ज्ञानकूप के एक स्तंभ देल गेल छै ज्ञानकूप या छै। ज्ञानकूप के इनार जे प्राचीनतम इतिहास के, मिथिला के प्राचीनतम इतिहास के साक्षी अछि कूप इनार। कहल जाइ छै जे एकर पानि के बहुत रास महत्व छै। ज्ञानकूप के कूप, ज्ञानकूप कूप में देख रहा छी सफाई के कनी समस्या छै, मुदा ऐतिहासिक प्राचीनतम धार्मिक आस्था से ओत पोत कूप अछि। स्वस्ते न इन्द्रो वृद्धा श्रवाः, स्वस्ते न पोषा विश्ववेदाः, स्वस्ते नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रां कर्णेभिः, श्रृणो याम देवा भद्रां पशेम, छविरजत्राः स्थिरैराङ्गै तुष्टो वागुं, स्वस्तानो वीर्व्यासे महे देवहितां जदायोः, द्योः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तेः, पृथिवे शान्तिरापः शान्तिलोकधयः शान्तेः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तेः सर्वगुं शान्तेः शान्तिरेव शान्तेः, सामा शान्तिरेदे हरिः ओम। नरेन्द्र कुमार पथिहस्त। कतः घर भेल? इंडिया मधुबनी जिला पिवारा। पिवारा। संस्कृत पढ़ायल छी कि कोन भाषा पढ़ायल छी? संस्कृत। किया संस्कृत पढ़बे? नहीं थे। है? कि मानो अहाँ संस्कृत पढ़ि लेलिए है ना, अइ तऽ हम तऽ की करऽ चाहबे, की बनबे? ज्योतिष। ज्योतिष। ज्योतिष किया, ज्योतिष के बुझै छी कि किया बनै छी ज्योतिष, की होइ छै ज्योतिष, से बुझल अइ? नहि बुझल अइ। अखन कते मे पढ़ि रहल छी? सात मे। सात मे। ज्योतिष पढ़ाई होइए? नहि, व्याकरण होइ छै। व्याकरण होइए।
व्याकरण में जना है के सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई होइ छे ओ पढ़लिए नहीं ओ नहीं अच्छा की पढ़ रहल छे अखन अखन व्याकरण में व्याकरण में की पढ़ रहल छे मध्य सिद्धांत ए मध्य सिद्धांत एकटा बात हमरा के ई कहू जे आइ जना एठाम गुरु सब पढ़बै छथिन है ना केहन लगैए केना बुझै छिए की पढ़ाई होइ छै केना होइ छै से की होइए विद्यालय में संस्कृत विद्यालय में एठाम बहुत भारत तकर बाद नेपाल के विभिन्न ठाम के विद्यार्थी सब पढ़ रहल छै रहि कऽ हॉस्टल में सेहो भारत के विद्यार्थी छथि की नाम भेल बुआ अहाँके राजन कुमार झा कतऽ घर अइ सामर सीतामढ़ी जिला एठाम कते दिन से पढ़ रहल छी आइ एक साल से कथी पढ़ रहल छी अखन संस्कृत संस्कृत किया पढ़ पड़ल संस्कृत के की लागल जे संस्कृत ते पढ़ब से किया अखन त आधुनिक लोक सब बेसी बेसी अंग्रेजी सब पढ़े छै अहाँ संस्कृत किया पढ़े लिए संस्कृत हमरा नीक लागल ओहि के लागे हम संस्कृत अत पढ़े लिए पढ़ाई केहन होइए जेना गुरु सब जे पढ़बै छथि एहिठाम बहुत नीक होइ छै बहुत नीक भऽ रहल छै हमरा ओतऽ अपना गाँव से तऽ बहुते नीक भऽ रहल छै ओहिठाम सेहो अहाँके गाम मे सेहो संस्कृत विद्यालय गाँव में नहि ओतऽ छलै जतऽ ई अथी छथिन ने ई बनारस सब जे छै ने सबसे तब तब बढ़िया हमरा लागल बनारस सेहो गेल ही पढ़ल आ गेल नहीं छिए हमर भैया सब गेल छथिन अच्छा सब कहने छथिन कि अत सब बढ़िया पढ़ाई अत होइ छै ए बनारस सब बढ़िया एहिठाम होइ छै जेना अब एहिठाम हॉस्टल में रहै छी कि कत हॉस्टल में रहै छी खाना सब सब दिन खुवै छै हां ओहि में कोनो दिक्कत नहीं होइए कोनो दिक्कत नहीं पढ़ में नीक लगैए है संस्कृत पढ़ में नीक लाग रहल है हां चलो बाबू तिम्रो नाम के हो विजन ढकाल कहाँ बाट आको खोटाङ अनि के यहाँ त्यति टाढाबाट यहाँ पढ्न आएको के पढ्दैछौ त अहिले कतिमा सातमा सातमा अनि संस्कृत के पढेको त संस्कृत पढ्न उता पण्डितहरू कमी छ त्यही भएर ए उता खोटाङतिर कमी छ अनि यहाँ पढाइ पनि राम्रो हुन्छ ए अनि अहिले जुन के पढ्दैछु के बन्न छ संस्कृत पढिसकेपछि अब त केही न केही बिस्तारै बिस्तारै जुन अपग्रेड हुँदै जाने हो होइन अनि के पढ्न मन लाग्यो तिमीलाई संस्कृतमा ज्योतिष ज्योतिष किन यस्तो ज्योतिष किन पढ्न मन लाग्यो त ज्योतिष त भन्छ धेरै गाह्रो विषय छ त होइन अनि तिमीलाई राम्रो लाग्यो विद्याको यज्ञवल्क संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के ई विद्याकूप देख रहल छी अपने सब एहिठाम प्राचीन एकर प्राचीनतम इतिहास देखायल गेल छै शिलालेख छै एहिठाम आओर ई अछि विद्याकूप के जीर्णोद्धार कऽ कऽ एकटा नया किस्मसँ स्वरूप देल गेल छै ज्ञानकूप मे रहल ई विद्याकूप कहल जाइ छै जे सीता एहिठाम विद्यारम्भ कयने रहथि सीता के शिक्षा दीक्षा प्रारम्भ एहिठामसँ भेल रहै ताहि दुआरे ई विभिन्न कूप सबके निर्माण कयल गेल छै ई जे पाछा देख रहल छी अपनेके जे प्राचीनतम ई एहिठाम वेदाश्रम पहिले एहिठाम होइत रहै अखन आधुनिकता के हिसाब सँ निर्माण सब कयल गेल छै मुदा प्राचीनतम ई एहिठाम प्राचीनतम ई आश्रम आओर ई विद्याकूप के दृश्य देखै छी अपने सब जे विद्याकूप ई विद्याकूप के जल जेकर अपन धार्मिक ऐतिहासिक महत्व छै कहल जाइ छै जे मिथिला के जखन मध्यमा परिक्रमा समाप्त होइ छै तऽ परिक्रमा समाप्त भेला के क्रम में एहिठाम के कूप के जल के ग्रहण करबाक चाही तखने पुण्य भेटै छै ई ऐतिहासिक कूप अपने में एकटा मिथिला के ऐतिहासिक ई कूप के महत्व अछि कहल जाइ छै जे सीता एहि कूप मे जे विद्या आरम्भ करै वा ओहि समय मे जे प्राचीनतम विद्यालय रहै ओ विद्यालय के एहिठाम विद्यार्थी सबके पानि पर ज्ञान आओर साक्षात करै हिसाब सँ एहिठाम राखल गेल रहै ई प्राचीनतम जे एहिठाम पहिले प्राचीन हिसाब सँ एहिठाम विद्या आरम्भ कयल जाय विद्या के देल जाय जानकारी वेद वेदांग पढ़ायल जाय गुरु सब द्वारा और एहिठाम हॉस्टल में विद्यार्थी सब रहि कऽ पढ़ि रहल छथि ऐतिहासिक ई जगह खास कऽ कऽ मिथिला के गौरव मिथिला के प्राचीनतम इतिहास के ई वर्णन कऽ रहल अछि ऐतिहासिकता के देखाबि रहल अछि
जे हमर सबके सांस्कृतिक सभ्यता प्राचीनतम अछि। ई प्राचीनतम एकटा उदाहरणीय ई स्थल एहि रूपसँ एकरा ढकि देल गेल छै किएक तऽ कोइ एहिमे विद्यार्थी सब खेलक क्रममे किछु नहि होइ, ताहि हिसाबसँ एहिठाम ई कूपके ऐतिहासिक महत्व संस्कृति सभ्यताके प्राचीनतम ई उदाहरण जनकपुरके ज्ञानकूप जे अपन सभ्यता आओर संस्कृतिके बखान कऽ रहल अछि। हमर सबके संस्कृति कते पुरान अछि, सभ्यता कते पुरान अछि, एकर ई जगजियार प्रमाणके रूपमे रहल ज्ञानकूपके ई विद्याकूप। से शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वम् अहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे, अक्षसूत्राङ्कुशधारा पाशपुस्तकधारिणी मुक्तहारा समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा, कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिहाग्रे सन्निविश्यता, शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। के नाम हो तिम्रो? नेहा। नेहा के झा कहाँ घर हो? बलबाटुलमा। अनि यहाँ संस्कृत पढ्छौ हैन? संस्कृत पढ्न आएछ। कति क्लासमा पढिरहेछ? 8 मा। अनि संस्कृत पढिरहेछ अहिले कुन विषय संस्कृतको? संस्कृत व्याकरण, संस्कृत ल्याङ्ग्वेज। ल्याङ्ग्वेज। अनि यो किन संस्कृत पढ्न किन मन पर्यो त तिमीलाई? थाहा छैन? अनि बुवा राम्रो लाग्छ संस्कृत पढ्न? बुवा पढ्नु भएछ संस्कृत? तिमी मात्रै हो? अनि पहिलो पटक तिम्रो घरमा कोही संस्कृत पढाएको छैन? छैन। हो? ए अनि तिम्रो नाम के हो बाबु? ऋचा यादव। ऋचा यादव। अनि कति क्लासमा पढ्छौ? 8 मा। 8 मा के पढिरहेछौ त संस्कृतमा? संस्कृतमा श्लोकहरू पढ्छौ र व्याकरणमा के भन्छ त्यो सूत्रवृत्तिहरू। अनि घर कहाँ हो त? यहीँ जनकपुरमा। कति नम्बर वार्डमा? 7 नम्बर वार्डमा। 7 नम्बर वार्डमा। अनि त्यहाँबाट आउँछु यहाँ संस्कृत पढ्न। अनि संस्कृत किन पढ्नु पर्यो त? संस्कृत पढ्न किन मन लाग्यो त? त्यसमा श्लोकहरू हुन्छ अनि राम्रो लाग्छ सुन्नमा, त्यसै कारण। सुन्नमा राम्रो छ? हो। अनि अहिलेसम्म पढ्न पनि राम्रो लाग्छ। अनि अनि गुरुहरूले पढाउनुहुन्छ नि त संस्कृतमा, अनि कतिको याद गर्छ संस्कृतको श्लोकहरू? श्लोकहरू छिटो याद भइहाल्छ अनि श्लोकहरू सुनाइदिन्छु र त्योहरू अझै एन्सर क्वेसनहरू छिटो याद हुँदैन जति छिटो श्लोक याद भइहाल्छ। कुप संस्कृत विद्यालयमे रहल ई शतानन्द कुप। शतानन्द कुप, शतानन्द राजा जनकके गुरु रहथि। सीता एहिठाम विद्यारम्भ कयलथि वा शिक्षा दीक्षा कयलथि से धार्मिक मान्यता छै एहिठाम, मुदा जीर्ण अवस्थामे छै ई कुप, संरक्षण विहीनताके अवस्थामे छै। एकर प्राचीनतम इतिहास छै कुप सबके जे धार्मिक, आओर एकर कुप सबके विषयमे बृहत विष्णु पुराणके मिथिला महात्म्यमे उल्लेख छै। ई सदानन्द कुप, सदानन्द जे सीता राजा जनकके गुरु रहथि हुनकर ई कुप अछि। एहिठाम ओ संस्कृतके वा विद्यारम्भ अर्थात बाल बालिका सबके पढ़बैत रहथि। ई सीताके ई सतानन्द कुप जे विभिन्न जखन विद्यार्थी सब विद्यारम्भ करऽके लेल एहिठाम अबै तऽ ओ विद्यार्थी सबके जलके लेल विभिन्न जल ग्रहण करऽके लेल वा ओकरा सबके एकटा ओहि समयमे प्राचीनतम हिसाबसँ ई कूप सबके जल दै जे पवित्रता, तकर बाद ज्ञान वृद्धि, एकर ऐतिहासिक महत्वता सबके विषयमे ई देल गेल रहै। तऽ एहि क्रममे ई शतानन्द कूप अछि अपने सबके हमसब देखै छी, मुदा ई कनि जीर्ण अवस्थामे छै। जे शतानन्द कूप ई जीर्ण भऽ गेल छै, संरक्षण विहीन छै, संरक्षण विहीनताके अवस्थामे छै, एकरा संरक्षण होनाइ आवश्यक छै। संघीय सरकार नेपाल भ्रमण वर्ष जे नेपालके भ्रमण वर्षके शुरुआत कयने अछि पर्यटक सबके लाभके लेल, मुदा ई प्राचीनतम इतिहासके ऐतिहासिक जगह सब ई उपेक्षाके शिकार भऽ गेल छै। देख रहल छी अपने कनि दूषित अवस्थामे छै ई जगह, एकर संरक्षण होनाइ आवश्यक छै। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार एहि सबमे लगानी लगबाक चाही, किएक तऽ ई इतिहासके प्रमुख स्रोतके रूपमे रहल छै। जे प्राचीनतम एकर इतिहास पढ़ल जाइ छै, आस्थाके केन्द्र छै, बाहरसँ
बहुत रास लोग अबै छथि एहिठाम के जल ग्रहण करै छथि। हुनका सबके ई बुझाइ छै जे ऐतिहासिक महत्व के ई जगह एकर संरक्षण के अवस्था दयनीय छै, चिन्ह छै, संरक्षण होनाइ ओतबे आवश्यक छै। जकर ई प्राचीनतम सीता के वा सीता से संबंधित ई स्थल अछि, सीताराम से संबंधित ई स्थल अछि, धार्मिक आस्था के केंद्र अछि प्राचीनतम कूप सदानंद कूप, जे अपने में एकटा ऐतिहासिक महत्व के कूप रहल अछि।